बजालता से कुछ समय पहले एक खबर आई थी, यहाँ पर रेलवे फाटक से बच्चों के गिरने की वजह से दो बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इस खबर को कवर करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे, तो यहाँ पर हमें कुछ लोग मिले जो परेशान थे। ये परेशान जो लोग हैं वो क्यों परेशान है वो बताएंगे। ये तस्वीरें देखें आप, ये लोग हैं और ये बजालता का ही इलाका है। इसका क्या नाम है? प्रगाल। प्रगाल, ये प्रगालता इस जगह का नाम है। और यहाँ पर राशन डिपो वाला जो है वो राशन डिपो जो है वो समय पर नहीं खोलता, जिसकी वजह से ये सारे लोग परेशान हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, आते हैं एक चक्कर लगाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आधे घंटे एक घंटे के बाद आते हैं, लेकिन जब ये डिपो समय पर नहीं खुलता तो ये लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने बताया हमें कि ये काफी परेशान है। हमने उन जो डिपो के ओनर थे उनसे भी बात की, लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानी। क्या नाम है भाई साहब आपका? शौकत अली है। शौकत अली, शौकत जी क्या परेशानी आ रही? परसों में आए थे, बनता था आज, आज भी बनता है। परसों भी आए थे आप? दो राशन कम देता है हमें, 7-10 किलो आता है पीछे से, या 7 किलो देता है एक आदमी का। 7 किलो 10 किलो आता है जो फ्री वाला राशन बोल रहे हैं? फ्री वाला राशन 10 किलो आता है, 7 केजी देते हैं। 7 केजी देते हैं, बोलते पीछे से कम आ रहा है, पीछे से कम आ रहा है। और समय पर नहीं आते? नहीं आते हैं कभी, परसों भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए, बंद है। अच्छा भाई साहब आपका क्या नाम है? कुलदीप कुमार। आप यहीं रहते हो? हाँ जी। ये खोलते हैं राशन डिपो समय पर? नहीं, शाम को ही खोलते हैं। कोई टाइम टेबल है इसका? टाइम टेबल पक्का कोई नहीं। राशन भी सही देते हैं कि नहीं? ये कम ही मिलता है, 4 दिन से आ रहे हैं, मिलता ही 4 दिन से मिल ही नहीं रहा है, 4 दिन लगातार हो गया। कितने बजे आते हैं आप? शाम को ही आते हैं, दिन को काम करते हैं अपना। अच्छा, नहीं मिलता। ये माता जी है यहाँ पर। माता जी के ना है थोड़ा? अच्छा, कुत्ते रोंदे हो? तुस भी राशन लेने आए हो? नहीं, किया राशन लेना? तुस लेई जंदे घर? किन्ना राशन लेना तुस? छोड़ी आना लेई है, इत्थे दुकान कोई छोड़ी आना लेई है, लेई जंदे हुन लेया तो। अच्छा, तुस खाली लेने गए हो, आ दे हो ते बाकी आपे मुड़े आंदे ने लेई जंदे। अच्छा, किन्ने दिन आवा कर दे हो ते? अनीता जी, क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? राशन कदे दिंदे कदे नहीं दिंदे, कदे मशीन खराब होई कदे किश खराब होई। कोई पता नहीं कोले दिता कोले नहीं दिता। आए पूरा नहीं दिंदे। किन्ने किन्ने किलो दे कर दे? 5 किलो का 4 किलो आंदा। किन्ना? 10 किलो। हाँ। अच्छा। हाँ। नहीं, इनका वर्जन ले लेते हैं। अच्छा, आ, 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 आपका क्या नाम है? हरिराम। हरिराम जी, आप इस डिपो के ओनर हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जैसे ये लोग बता रहे हैं कि आप यहाँ पर समय पर ये डिपो खोलते नहीं हैं। दूसरा, जैसे 10 केजी किसी का पीछे से आता है तो आप इनको 5 केजी 7 केजी 4 केजी दे रहे हैं कि क्या? नहीं, हम दे रहे हैं आधा फ्री आधा पैसे वाला। अच्छा, अगर किसी का 25 किलो बनता 5 नंबरी का, उसको 25 किलो पैसे वाला, 25 किलो उसको फ्री देते हैं, इस हिसाब से। और ये खोलते कितने बजे हैं आप? है? ये कितने बजे खोलते हैं आप? ये सुबह हम खोलते हैं 10:30 बजे। वो लोगों के आने पर हम इधर बैठे रहते हैं। अच्छा, फिर हम खाना खाने के लिए बंद करते हैं। कितने बजे शाम को कितने बजे खोलते हैं? फिर हम खोलते हैं अब जैसे ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर चक्कर लगाते रहे, 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ कोई आता ही नहीं, और कुछ तो यहाँ पे पता नहीं कितने चक्कर लगा के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं आ ही नहीं रहे साहब। टीएसओ साहब कल भी आए थे, आज भी आए थे। टीएसओ साहब तो अभी हमने देखा, हमने बताया तो भाग गए यहाँ से। वो भाग गए, वो मेरे सामने इधर खड़े थे।
हाँ खोला खोला सब डिपो खोला था उस वक्त। हम लोग राशन दे रहे थे। कितने बजे खोला? मैं कोई 11 बजे से ले हम इधर बैठे रहे 11 बजे से। अभी मैं गया हूँ, मेरी मिसेज बीमार थी, मुझे घर से मैसेज आया जल्दी आओ उसको जम्मू लेना। मैं अभी भाई घर में 5 मिनट भी नहीं ठहरा, वो बीमार थी। तो मैंने कहा इसीलिए TSO फोन करता है भाई, वो आपको बुला रहे हैं उधर। मैं आया 5 मिनट बस उसी टाइम वापस। यहाँ पर आप ही होते हैं? यहाँ पर आप ही होते हैं? नहीं लड़के भी होते हैं। वो लड़के कहाँ हैं? अच्छा हाँ वो होते हैं। तो वो लड़के कहाँ हैं अभी? वो अभी एक जम्मू गया है। वो आ जाए। ये इन लोगों की परेशानियों का समाधान होगा कि नहीं? नहीं नहीं, वो परेशानी क्या करनी है मेरे। मैंने सब कुछ पर्चियाँ वो निकाली है रखी है अंदर। हाँ सब कुछ रखा है, ऐसे नहीं है भाई किसी को तोड़ा दे दिया उसका नाम लिया उसका अंगूठा लगवाए। हर एक आदमी इधर का अंगूठा लगता है फिर उसको हम राशन देते हैं। मशीन खराब भी होती बीच में? मशीन नहीं, मशीन ठीक ठीक है। ये कह रहे हैं कभी कभी पता क्या होता है, कभी कोई साइड नहीं चलती है, लोग परेशान रहते हैं। ये हम 2 घंटे बैठे भाई, मेरा क्या कसूर है? मेरा तो उसमें है ही नहीं कुछ, मैं साइड को बदल नहीं सकता, वो ऊपर वाले दफ्तर वाले वो भी नहीं बदल सकते। आपको भी कोई पीछे ऐसे कोई परेशानियां आती हैं? है? आपको भी कोई परेशानी आती है इस डिपो में परेशान करने में कुछ चीजें में, जैसे टेक्निकल आप बता रहे हैं कुछ एरर आ रहे हैं जिसकी वजह से इन लोगों को नई राशन मिलता है, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं? तो जब हमें राशन मिलता ना वहाँ से हम इधर शुरू कर देते हैं इधर लाकर, जब राशन खत्म होगा फिर हम स्टॉप कर देते हैं। अभी ये खुलेगा कि बंद ही रहेगा? नहीं अभी चाबी मेरे पास है, खुला खुलना हमारे लिए नहीं खोलना, ये तो राशन लेने लोग आए हैं, ये देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर घूम रहे हैं। वो तो लड़का आएगा तो वो लगाएगा ना, नंबर लगाएगा ना। लड़का कहाँ है? वो जम्मू गया ना। वो आएगा तो फिर नहीं, हाँ। वो आज थोड़ा देगा। अच्छा वो कब देगा? सुबह सुबह हम देंगे। इन लोगों के लिए कोई टाइम टेबल यहाँ पर आप लगा नहीं सकते कि इतने बजे से इतने बजे खुलेगा, आप इतने बजे आए? वहाँ वो इन्होंने क्या किया साहब ने, एडी साहब भी इधर आए थे, रूल TSO साहब भी इधर आए थे, उन्होंने कहा भाई ये दरवाजा खत्म कर दो बाहर कर दो, उस एक ही दरवाजा रखो। मैं ठीक है जना, अंदर ईंट का पर्दा लगाया, देखा देखा नहीं, नहीं वो पता बताया लोगों ने हमें। हाँ वो पर्दा लगाया, एक पीछे था उधर गोदाम ऐसे लोहे का डाला हुआ था, हमारा लोहे का काम होता है ना, तो वो हम डाला। उन्हें कहा ये बंद कर दो इधर, वो लाएंगे कोई सिलेंडर, छोटे सिलेंडर होते हैं दुकान, वो लाने हैं, फिर आपको एक बोर्ड बनाना है इधर इधर एक साइड वहाँ, वो भी लग जाएगा। AD साहब भी आए, कल भी आए थे, आज भी आए, TSO साहब 2 बार ही आया, मैंने देखा उस वक्त मैं उधर था, उधर आए थे ना कोई कोई 3 आदमी होंगे सारे, उसके बाद फिर आए, मैंने कहे 6-7 आदमी को आटा दिया। ये देखो माता जी वो बैठी ये अभी आई है मेरे जाने के बाद आई, ये 3-4 दिन से आ रही, मिलता ही नहीं बोल रहे राशन। नहीं नहीं 3-4 मेरे घर में रहती है साथ, कौन कहता है? आपके घर के साथ रहते हैं? हाँ अच्छा हाँ ये अपने मेरे घर के साथ रहते हैं, तो ये तो हम हाँ ठीक है देते हैं 5 किलो आटा हम एक बूढ़ी को दे देते। पीछे से कितने केजी आ रहा है लोगों के लिए आटा, फ्री वाला आटा जो है, जो भी राशन आता है कितने केजी आता है? वो 5 केजी हिसाब से, 5 केजी ये तो कह रहे हैं 10-10 केजी कितने आता भाई साहब? 5 केजी फ्री वाला, 5 केजी कैश, 10 केजी एक आदमी ये देते हैं, 7 केजी एक आदमी का 4 महीने, 10 केजी आधा ये कह रहे हैं, 10 केजी आधा टोटल, तो 7 केजी दे रहे हैं, 7 केजी दे रहे हैं 3-4 महीने से। अच्छा मेरे पास ये यही राशन आया है, पीछे से ही काम आ रहा है, पीछे से ही काम आ रहा है लोगों का राशन। ये राशन हमने लाया है ना, मैं ये बात बता रहा हूँ, 30 क्विंटल 30 क्विंटल 60 क्विंटल आटा लाया है, इस वक्त 17 तारीख को क्या हुआ, हम इधर आए थे, जब इधर हमारे बकरवाल भाई हैं
जो पहाड़ों से रहते हैं वो भी आ गए, वो डायरेक्टर साहब के पास चले गए, हमें आटा नहीं मिल रहा, मैंने ये आटा 30 लाया था। TSO साहब AD साहब इधर आए, कहते हैं इनको दे दो आटा, ये शुरू कर दो। मैंने कहा मैं कौन सा इनकार करूँगा, आप अफसर हैं, आप फूड सप्लाई के अफसर हैं, आप बैठ जाओ उधर। उन्होंने बैठ कर देर सामने मैं बात करता हूँ। हम लोग जो हैं हम खानब जोश मूवमेंट से हैं, ट्राइबल हैं, 6 महीना हम यहाँ मूवमेंट करते हैं, 6 महीना पहाड़ों में चला जाते हैं। तो जब हम वहाँ से आए तो डीलर साहब के पास आए, वहाँ हम जब जाते हैं अपना आधार कार्ड हम खाली शो कराते हैं, वहाँ हमें राशन मिल जाता है। जब हम यहाँ पे आए इन्होंने 2 महीने पहले, 2 महीने हमारे अंगूठे लगवा लिए, पर्ची निकल गई, राशन हमें नहीं दिया। तो बोलते हैं TSO के पास जाओ, वहाँ जाते हैं वो बोलते हैं डीलर के पास जाओ। फिर हम कोई 100 बंदे तकरीबन हो गए तो डायरेक्टर साहब के पास गए, तो उसने EDI साहब को फ़ोन किया, फिर वो TSO साहब को फ़ोन किया, तो वो मौके पे आ गए, तो फिर उन्होंने राशन दिलवाया। मैं डायरेक्टर साहब का वेलकम करता हूँ, तो उसके बाद डायरेक्टर साहब ने बोला था कि आपका जो पिछले महीने का 2 महीने का राशन है जो इन्होंने अंगूठा लगवा दिया, राशन आपको नहीं दिया, तो उसका हम हिसाब करके वो भी आपको दे देंगे। मिल रहा ना राशन? हाँ 1 महीने का मिल गया, मगर जो दो पिछले महीने का 2 महीने का जो अंगूठा लगवा रही है राशन नहीं मिला, वो हमारा अभी बैलेंस है, वो हमें लेना है। 2 महीने का राशन मुंह से कहना लाना एक ही, 2 महीने का ये कह रहे हैं उन्हें दिया, ये 1 महीने अभी भी ये पब्लिक का राशन है, पहली जो हमारे महीना महीना में पब्लिक आती है ना, ये बहुत राशन है। जब इन्होंने TSO साहब थे AD साहब इधर आए, उन्होंने कहा इनको दे दो ये राशन। अच्छा इनको दे दिया, अब आटा पीछे कम हो गया, अब ले गए आदमी कोई 70-80 का आदमी ज्यादा होंगे कार्ड, तो मैंने TSO साहब को बताया भाई ये आटा आपने दिया मुझे, ये आटा आपने दिला दिया इनको, मेरे पास क्या रहा, जेरे आटा बकाया बचा मैं लोगों को दे दिया, जितने आदमी पीछे से सप्लाई कम है, सप्लाई कम है तो मैंने उनको पहले जो पीछे ऑफिसर है उनकी भी गलती है। सप्लाई हमें ये 60 क्विंटल दिया, ये चाहिए था हमें 120 क्विंटल। जो NPH होता है ना, मेरी बात सुनेंगे, NPH होते हैं वो देते हैं 4 क्विंटल हमें, मेरे पास 128 कार्ड है NPH का, मुझे 4 क्विंटल दिए उन्होंने, 4 क्विंटल जो कितने आदमी को मैं डील कर सकता, 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल चावल ये हमें राशन मिलता है। मेरे पास इधर भी हैं और डीलर हैं, उनके पास पीछे से सप्लाई रहती है, 1 महीना छोड़ के अंदर उनका डंप रहता है, वो 15 क्विंटल या 20 क्विंटल वो उनका बकाया रहता है, दूसरे महीने वो बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। हमारे पास जो आता है वही शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर लोग तो परेशान है ही, लेकिन यहाँ तो डीलर भी परेशान ही लग रहे हैं, जो राशन डिपो के ओनर हैं वो भी परेशान है, ये लोग देख लें एक बार यहाँ पर कितने सारे इकट्ठे हुए, ऐसा लगता है कि पीछे से सप्लाई भी इनको कम है, और जो पीछे अधिकारी बैठे हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें, और लोगों की जो समस्या है, जितने लोग हैं, कितना राशन इनका बनता है, कितना चावल, कितने आटा क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो इनको प्रोवाइड की जाए, ताकि सभी लोगों को वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो लोगों की शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाए। इस खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सरसमाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।